सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक रोस्टर पोस्टर विद यूजिंग प्लेयर्स पिक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे फोटोशॉप में और प्रोजेक्ट लेंगे 1920x1080p, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, *2*2। ऑलराइट, एंटर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो सारे प्लेयर्स को उठा लेते हैं। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने इनके जो बैकग्राउंड वगैरह है वो पहले से रिमूव किए हुए हैं। बैकग्राउंड आप अगर ज़्यादा टिपिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप सिंपल मैजिक वंड टूल पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, तो वो सेलेक्ट कर लेता है। ओके, तो ये है हमारे प्लेयर्स, सबको ऐसे रख देता हूँ एक साइड पे। ऑलराइट, ऐसा कुछ हमारा रहेगा अलाइनमेंट, दिस वन टॉप, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर। ओके, मिस्टर बोरो एंड गेल्सन है ना ये। हाँ, ये है हमारा अलाइनमेंट। ऑलराइट, तो अगर आप जूम करके देखो तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन अभी भी ग्रीन स्क्रीन का इनका इफ़ेक्ट है, क्योंकि मैजिक वन टूल इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो हम लेंगे लेयर मास्क और इनको थोड़ा सा ये ग्रीन कलर को हटा देंगे। ओके, क्योंकि हमारा थीम जो रहेगा वो ब्लू एंड ब्लैक में रहेगा, तो ब्लैक में एज यू कैन सी कि ग्रीन कलर दिख रहा है। राइट, सो एज़ यू कैन सी मैंने सारे प्लेयर पिक्चर्स में से ग्रीन कलर का इफेक्ट रिमूव कर दिया है, ये आप देख सकते हैं लेयर मास्क से। तो अभी इन सब का मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करूँगा सिंगल सिंगल लेयर को क्लिक करके। ऑलराइट, तो सब कुछ ऐसा हो चुका है। ऑलराइट, अभी हम जाएंगे फिल्टर्स में, कैमरा रॉ फिल्टर, लेट इट लोड। ओके, यहाँ पर हम जाएंगे वाइब्रेंस बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे इसका, सेचुरेशन थोड़ी सी कम। ये चीज़ मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि सभी के प्लेयर्स के ऊपर लाइटनिंग वगैरह सिमिलर है और इनकी जो जर्सी है वो भी सेम है। ठीक है, तो अभी एंटर। ओके, तो ये जो लेयर मास्क का है स्मार्ट फिल्टर्स का, अगर आप इसको रिमूव करें तो आप ऐसे देख सकते हो बिफोर आफ्टर। अभी यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, या तो आप सिंपल ऐसे बना दो प्लेयर की पिक्चर्स। ओके, मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे जर्सी का कलर है ना ब्लू, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी रिमूव, बाकी मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में रहेगा, बस जर्सी का कलर ऐसा रहना चाहिए, जो जो ब्लू ब्लू है बस वहाँ वहाँ कर देते हैं। थोड़ा सा ये बारीकी वाला काम है तो आराम से करना चाहिए। ऐसे ही सारे प्लेयर्स के पिक्चर्स में करना है। ओके, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, सेंटर वाला प्लेयर ऊपर, ये भाई साहब नीचे, इसके अलाइनमेंट ऐसे। गाइड्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट प्लेयर्स को अलाइन करते टाइम मैं बस ऐसा देखता हूँ कि दिखने में अलाइनमेंट सही लिखनी चाहिए। राइट, बिकॉज सभी प्लेयर एक जैसे नहीं होते। इतना हो गया, अभी इन सब को हम करेंगे ग्रुप में Ctrl+G, उसके बाद Ctrl+J। अभी इन सब को करेंगे हम रेस्टराइज। ऑलराइट, सब कुछ रेस्टराइज हो गया।
थोड़ा सा प्लेयर्स को एक साथ कर देते हैं। ऐसे यस अभी ठीक है। अभी ये सेंटर के मतलब सेंटर वाले प्लेयर को छोड़ के साइड वाले टू इनको ले इनके लेयर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और सेकंड साइड वाले भी दोनों को मर्ज कर दिया। ओके यहाँ पर दोनों के ऊपर न्यू लेयर ली क्लिपिंग मास्क ऑल्ट को होल्ड करके और शेडो देंगे थोड़ी थोड़ी ब्लैक कलर की ऐसे। ताकि थोड़ा इफेक्ट ऐसा कुछ आए। क्लिपिंग मास्क ज़रूरी है नहीं तो फिर शेडो बाहर जाएगी आपका ब्रश बाहर जाएगा। देखो अभी बाहर नहीं है ना वरना बाहर जाता। ऑलराइट थोड़ा सा इधर फिल थोड़ी सी कम कर देंगे बस सेम इस साइड। ऑलराइट तो ड्रॉप शैडो टाइप दे दिया है हमने इनको। अभी इसको भी कंट्रोल प्लस जे कंट्रोल प्लस ई। ओके तो यहाँ पर हमारा इनकी अलाइनमेंट वगैरह का काम हो गया कंप्लीट। अभी लेके आते हैं हमारे लोगोज। तो दो लोगोज हैं इसकी इस लोगो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। और ये हमारे कलर्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए। तो इनको मैं यहाँ रख देता हूँ अभी के लिए। हमें अभी ये कलर की ज़रूरत है। ऑलराइट तो इसको हम कुछ ऐसे टिल्ट करके अलाइन करेंगे लोगों को ताकि ये पूरी पिक्चर को कवर कर ले। ऑलराइट ऐसे ये आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा अलाइन। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा और इतना। अगर अलाइनमेंट फिर भी ठीक ना हुई तो बाद में भी हम इसको कर सकते हैं इतना कुछ वो नहीं है झंझट। ये कलर ले लिया हमने पूरा इस पे फिल। अब इसको नीचे प्लेयर्स के पीछे ओके थोड़ा सा ऊपर करूँगा मैं इसको देखता हूँ। ऑल राइट ओके तो प्लेयर्स को हम लेंगे ग्रुप में और ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे डबल क्लिक करके। यस एंड आउटर ग्लो देंगे कुछ ऐसा सेम सेटिंग्स कुछ चेंज नहीं करना। अगर आप ब्लू कलर के साथ खेल रहे हो मतलब काम कर रहे होगे। हाँ इनर ग्लो आप दे सकते हो बट मैं इसमें नहीं दे रहा। विदाउट इनर ग्लो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट की है हमने इसलिए। बाद में एक कुछ चीज़ करेंगे वो मैं बाद में तो बताऊँगा पहले इतना कर दिया। अभी पूरे ग्रुप के ऊपर लेयर मास्क लगेंगे। अगर हम सीधा इस लेयर पे करते तो आउटर ग्लो के ऊपर गंदा सा वो इफेक्ट आता है इसलिए ग्रुप के ऊपर लेयर मास्क। ऑलराइट पहले थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं प्लेयर्स को तो ये प्लेयर्स अच्छे से दिखने चाहिए हमारे। इतना ठीक है पहले के ज़्यादा। हाँ सही है। अभी ये लेयर मास्क पे क्लिक करके ऐसा कुछ इफेक्ट देना है। अभी से पिक्चर थोड़ी सी आपको क्लियर होने लग गई होगी।
बहुत ही ध्यान से करना है ये जो है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसको मैं ऐसे करूँगा, रुक जाओ बहुत, अरे ऐसे ताकि थोड़ा थोड़ा दिखे, राइट। ऐसे या कुछ ऐसा, थोड़ा सा ना मैं इसको करूँगा टिल्ट। ओ शिट, 1 मिनट। हाँ थोड़ा सा और टिल्ट ऐसे, और थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर लो। ये जो जगह है ये मैंने रखी है लोगों के लिए, तो लोगों सही से फिट होना चाहिए, इसलिए पहले हम लोगों ले आते हैं। ऑल राइट, हेरिटेज और लोगो। ऐसे दिस इज द अलाइनमेंट, दिस इज फाइनल अलाइनमेंट ऑफ आर लोगो। ओके ऑल राइट, इतना हो गया हमारा। कलर्स अभी नहीं रखते, कलर्स 1 मिनट। बैकग्राउंड कलर हमने रखना था दिस वन। अभी डिटेलिंग स्टार्ट होगी, ये लेयर के ऊपर एक और न्यू लेयर लेंगे, और इसको मैं अभी हिडन करता हूँ और लोगों को भी हाइड करता हूँ। ब्लैक कलर, टोटली ब्लैक कलर, ब्रश थोड़ा सा बड़ा, और ऐसे साइडों में इफेक्ट देंगे। ज़्यादा इफेक्ट नहीं देना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके फिर बाद में फिल कम कर दूंगा। ऑलराइट नाउ इतना हो गया बोल्ड, फिल थोड़ी सी कम। और अभी ये लेयर के ऊपर हम लेके आएंगे ये वाला स्टॉक, बैकग्राउंड टाइप। बस जितना फिल हो जाए थोड़ा सा बड़ा रखूँगा। ऑल ओवरले या लीनियर डॉज, फिल बहुत कम, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होना चाहिए हमारा। यस एक और चीज़ करनी मैं भूल गया था, कैमरा रॉ फिल्टर में, वो बाद में करनी थी, अभी कर लेते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और टेक्सचर सभी प्लेयर्स का ज़्यादा इतना कट कर देंगे, और क्लैरिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर टाइप दिखे। ये डालने का मतलब ऐसा ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा। ऑल राइट डिफरेंस देख सकते हो, ये और ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा ब्लैकिश टोन वाला इफेक्ट। इतना हो गया, ये चीज़ है लोगों को, चलो हम बाद में सेट करेंगे, अलाइनमेंट तो ठीक है उसकी। ओके अभी आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम ऑफिशियल रोस्टर। बाय द वे इसकी PhD भी आपको मिलेगी, तो आप लोग सीख सकते हो कैसे बनाया है देख के। सेम कॉपी मत करना, क्योंकि ये लोगों का बैकग्राउंड बनाया है मैंने अपने लोगों के हिसाब से, मतलब अगर अपने लोगों का ही बैकग्राउंड बनाना है जैसे मैंने बनाया, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा आप जिसके लिए बना रहे हो उसका लोगो कैसा है। ऑलराइट ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर। हमारे कलर्स, कलर्स में से ये वाला कलर सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा ऊपर। नाउ कम्स ये क्रॉप वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा हम इसको क्रॉप करेंगे। 1 सेकेंड। इतना, थोड़ा सा ऊपर
हमें बस ये ऑफिशियल वाले को ना थोड़ा सा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टच हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, एंटर क्यों नहीं हो रहा भाई? ऑल राइट, हो गया इतना। ये जो था इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं इसके साथ मिला देता हूँ। देखो, इस लेयर को इधर नीचे किया और कंट्रोल जे करके इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क, और ये जो नीचे ये जो बार टाइप है लोगों की, इससे हमें इस इफेक्ट को हटाना है। वेट अ मिनट, लेयर मास्क पे जाके करना है ताकि ऐसा है, लेकिन साइडों में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो साइडों में इसी पे रह के करना है आपको, ताकि आप बाद में चेंज कर पाओ। राइट, हाँ, हो गया इतना। रोस्टर का फॉन्ट ये रख सकते हो, ये है ब्लैक हीट, या आपकी मर्ज़ी, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये रख रहा हूँ। और इसको थोड़ी सी ब्लैक शेडो देंगे हम, ड्रॉप शेडो, और सेम सेटिंग्स में ड्रॉप शेडो देनी है। थोड़ा सा एंगल चेंज कर सकते हो आप, लाइक 120 रख रहा हूँ, और डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। इतना थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ब्लैक शेडो ज़्यादा विजिबल नहीं होनी चाहिए, उसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए, वरना ये जो इस फॉन्ट में इतने छोटे छोटे गैप्स हैं ना, जैसे आर के बीच में, ये बहुत कम स्पेस है, तो वो ब्लैक शेडो भर देगी और फिर फॉन्ट आपका विजिबल ही नहीं होगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। ओके, इसी को कॉपी करके फॉन्ट को यहाँ पर लिखूँगा, हमारी ऑर्ग का नेम DRS गेमिंग, और फॉन्ट होगा हमारा रोडरेज। बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ ये फॉन्ट को भाई। लेयर क्लियर कर देंगे, कलर वाइट और साइज कम। ओके, यहाँ पर आ जाएगा साइज। इतना थोड़ा सा और कम। ऑल राइट, सो इतना करके उसके बाद ड्रॉप शेडो भी देंगे इसको हम, बट इसकी ड्रॉप शेडो उससे डिफरेंट होगी, साइज ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, ओपेसिटी कम, दिखना चाहिए राइट, इसलिए। लोगो हमारा अभी भी सेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे ये चीज़ फ्री स्पेस है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक टीम रोस्टर के रिलेटेड लिख सकते हो, या और के रिलेटेड लिख सकते हो, या कोई डिज़ाइन डाल सकते हो, बट मैं इसको एज इन सच रहने दूंगा। अभी आ जाते हैं लोगो पे, लोगो को कलर ओवरले दे देंगे, ऐसे कलर ओवरले नहीं देंगे क्योंकि ये बार भी नीचे वाली होनी चाहिए ना, तो बाय द वे जो हमने ब्लू कलर यूज़ किया है ये लोगों से ही उठाया हुआ कलर है। ओके, ऐसा कुछ। और अगर आप फैंसी करना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐसे करके, और मतलब ये बार वाइट हो जाए, और जो DA रियल सोल्जर्स लिखा है टेक्स्ट, वो ब्लैक हो जाए, बट वो नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। ऑल राइट, इसको हम कर देते हैं मर्ज। इतना काम हो गया हमारा, इसको हाइड करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे DRS गेमिंग अगेन, एंड फॉन्ट होगा फुल पैक 2025। ओके, और इसका कलर होगा वाइट।
थोड़ा सा इसका साइज़ बहुत मिनिमल सा कर देंगे, कुछ ऐसा ऐसे कुछ दिखना चाहिए। ऑलराइट, अभी एक और चीज़ कर सकते हो कि आप चाहो तो पेन टूल लेके इसको ट्रेस करके टोटल, फिर इसी को फ्लिप करके यहाँ से लेकर, मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपने पेन टूल लिया, प्रॉपरली ट्रेस किया, मैं ऐसे प्रॉपरली, क्योंकि मैं चीज़ नहीं कर रहा ना, ये चीज़ प्रॉपरली ट्रेस किया ऐसे। कुछ भी ले लेते हैं कलर ये, और इसको रोटेट कर दिया, सेम चीज़ यहाँ लेकर सेलेक्ट करके और लोगों में से डिलीट कर दिया, ताकि एंगल में पूरा वो हो। बट ऐसे ये लोगों का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ऐसे अच्छा लग रहा है, ये जो डिज़ाइन्स मतलब स्पाइक्स हैं ये अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर रहा। ओके, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने सेम ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है तो। DRS गेमिंग इधर लिख दिया। अभी एक और चीज़ रह गई हमारी, यहाँ पर लिखेंगे वेलकम, सेम फॉन्ट ब्लैक हिट हमारा जो इधर यूज़ किया था, साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज़ हमने ज़्यादा लिया था ना, इसलिए। ऑल राइट, स्क्यू करेंगे ऐसे, इसके जितना ही हम अलाइन करेंगे इसको। यस, अभी ये आएगा प्लेयर पिक्चर्स के नीचे, आई मीन प्लेयर पिक्चर्स के बैक साइड पे। अभी ये बढ़ेगा नहीं, हमें कंट्रोल टी से ही बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप ऐसे रख सकते हो लाइक एक फ्लो में जा रहे हैं पोस्टर हमारा पूरा, या फिर आप थोड़ा इसको फ्लिप करोगे तो ये 3D टाइप टेक्सचर देगा, लुक देगा काइंड ऑफ, जैसे कि ये थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और स्क्यू को मैं थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रहा है, इतना थोड़ा सा साइज़, एक मिनट, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं। ऑल राइट, ए कुछ ऐसा। ओके, इतना होने के बाद ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद हम जाएंगे दोबारा पिक्चर्स पे हमारे, और एक बार दोबारा फिल्टर, कैमरा फिल्टर, और थोड़ा सा इनको ब्लैकिश टोन दे देते हैं। राइट, डीहेज ज़्यादा करने, बस देख सकते हो ऐसा, इतना बहुत है बस। और यहाँ पे आके लेयर मास्क में इस साइड से ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर देंगे। बस इतना ठीक है। और यहाँ से मैंने ये जो क्लिपिंग मास्क लिया था इसके ऊपर ये कम कर दिया है, और इसको हम पूरा वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा फिल कम, बिल्कुल थोड़ा सा रखना है ताकि ये डार्क हो जाए बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, इसके बाद वेलकम में आएंगे, वेलकम को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए इतना, यस थोड़ा सा ऊपर, ऑल डन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लोगो नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये सारा ब्लू ब्लू हो गया ना, तो आप इसके ऊपर दोबारा क्लिपिंग मास्क और कलर देंगे हम वाइट, सिर्फ ये पार्ट को, ऐसा भी अच्छा लगेगा। राइट,
या तो ये रख लो या ये रख लो, या फिर टोटली वाइट कर दो जैसे कि ये। तो हम अभी के लिए ऐसा रख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल पोस्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।